फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ट्रेलर ने रिलीज होने से पहले ही धमाल मचा दिया है, और ये धमाल कोई फिल्म का नहीं, ये सियासी धमाल है। और आगे चुनाव तक ये क्या क्या गुल खिलाएगा आप देखते रहिए, हम इस पर बात करेंगे। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए, और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी, जो बताएंगे कि ट्रेलर में क्या है और आगे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो, जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ उसको तत्काल बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया, और कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रथम परिवार यानी गांधी परिवार को एक तरह से घेरने की कोशिश की है कि किस तरह से एक आदमी को 10 साल तक एक तरह से बंधक बना करके रखा गया, उसे फ्री होकर के डिसीजन नहीं लेने दिया गया। तो बीजेपी का तो एंगल ये है, लेकिन अब कांग्रेस में स्वाभाविक है कि 2019 में चुनाव है और चुनाव की तैयारी दोनों तरफ से चल रही है, एक एक चीज़ मायने रख रही है, तो कांग्रेस की तरफ से ऑब्जेक्शन होना स्वाभाविक था। महाराष्ट्र के कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो लीडर हैं, अब प्रेसिडेंट है सत्यजीत तांबे, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है फिल्म मेकर को कि रिलीज होने से पहले ये फिल्म उनको दिखाई जानी चाहिए। फिल्मों को लेकर के ऐसा होता रहा है, लेकिन ये फिल्म किस तरह से खास मायने रखती है अगले चुनाव के मद्देनज़र, विष्णु जी थोड़ा इस बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया वो 27 दिसंबर को रिलीज़ किया गया, और जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस होता है, तो एक दिन पहले कांग्रेस अपनी वाहवाही लूटे, उससे पहले ही उनको विवादों में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया कि अब कांग्रेस क्या जवाब दे, उस पर बीजेपी ने उसको रिट्वीट मार दिया। दूसरा, फिल्म की रिलीज डेट डाल जान लीजिए, वो कांग्रेस के लिए दूसरी मुसीबत का, 11 जनवरी 2019 को रिलीज़ होगी, और 11 जनवरी 1968 वो दिन है जब शास्त्री जी की डेथ हुई थी, और उस पर आज तक सवाल उठते रहे हैं, शक के घेरे में है कि उसकी जांच ढंग से क्यों नहीं हुई, कैसे अचानक डेथ हो गई उनकी, उस पर भी कांग्रेस ही घेरे में रही है। दोनों चीज़ें बड़ा सोच समझ के रखी गई है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं इसलिए कहा कि इसमें होता ये हो सकता है। दूसरा ये कि संजय बारू की किताब है, प्रधानमंत्री के साथ मनमोहन सिंह के साथ वो 4 साल रहे, दिलचस्प बात थी कि उनके पिता जो थे वो प्लानिंग एंड फाइनेंस सेक्रेटरी थे उसी वक्त, उस वक्त ये उनके स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, मीडिया सलाहकार हुआ करते थे, संजय बारू उनके साथ 4 साल रहे, और जिस तरह से प्रेजेंट किया है, अब देखिए फिल्म के ट्रेलर में खास क्या है, संजय बारू क्योंकि उनकी किताब पे है, और संजय बारू का जो किरदार है ना वो इसमें हीरो है, जो अक्षय खन्ना का किरदार है वो इसमें नरेटर के तौर पर नज़र आएगा, वो बार बार पूरी कहानी बताएगा, और बीच में कुछ मजबूरी जताते हुए वो दिख रहा है, हाँ, कि कैसे क्या होना चाहिए था। ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियर डील पे कैसे मनमोहन सिंह ने कैसे फैसले लिए, उन पे सोनिया गांधी कैसे कमांड रखती थी, कैसे बार बार सोनिया गांधी बोल रही है तो राहुल को मैं कैसे लॉन्च करूँगी, राहुल को मैं कैसे लॉन्च करूँगी, राहुल कह रहे नहीं हम अभी नहीं संभाल सकते ये सब चीज़ें, और जो राहुल का रोल अर्जुन माथुर ने किया है, और जो आना जिन्होंने रोल किया, आना कुमरा जिन्होंने रोल किया है प्रियंका गांधी का, वो ट्रेलर में कहते दिख रही हैं कि मम्मी ने फैसला लिया, आई एम प्राउड ऑफ माई मम्मी, मतलब कहीं ना हिट कर रहा है इसमें, हाँ, कि कैसे पूरा परिवार, कैसे पूरा परिवार ने जो एक्सीडेंटल बात की, एक्सीडेंटल क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं राहुल अपने आप को मैच्योर एनफ नहीं पा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के तौर पे आए, तो इस बीच में जो बफर टाइम है इसमें कौन प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए जिस पे उनकी कमांड रहे, जिसमें ऐसे तमाम मुद्दे आएंगे, ट्रेलर देख के लग रहा है जो देश ने देखे उस वक्त उसमें वाकई में मनमोहन सिंह की भूमिका थी या नहीं थी, और बाकी गांधी परिवार की क्या भूमिका थी, राहुल कितने इमैच्योर थे, प्रियंका कैसे सोनिया गांधी की हाँ में हाँ मिलाती थी या कैसे दखल देती हैं राजनीति में, वो अभी भी देखने को मिलता है, वो सब दिखाया जाए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो UPA 1 और 2 की सरकार देखे और जिन पत्रकारों ने कवर किया है, PMO में कैसे डिसीजन होते थे, संजय बारू ने जो कुछ भी लिखा है उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, चूंकि उसी पर फिल्म बनी है तो स्वाभाविक सी बात है। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रूप में मनमोहन सिंह का जिन्होंने रोल किया, अनुपम खेर, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनकी वाइफ बीजेपी की सांसद हैं, तो इसको भी लेकर के कुछ नहीं, वो है अनुपम खेर ने काफ़ी मेहनत की है, अनुपम खेर मुखर आलोचक रहे हैं गांधी परिवार के, और सेंसर बोर्ड के चीफ रहे, और उसके बाद भी दरअसल ये अब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ बोलते हैं ना, कि जैसे आपने तब देखा होगा 77 के दौर में कैसे प्रिंट जला दिए गए थे गुड़गांव की मारुति की फैक्ट्री में एक फिल्म के, कैसे किशोर कुमार पे बैन लगा दिया गया था इमरजेंसी के दौरान, तमाम सारी फिल्में रोकी गईं, उनमें परिवर्तन किए। लोग तो कहते हैं कि शोले का जो आप क्लाइमैक्स देखते हैं, शोले के क्लाइमैक्स तक को बदल दिया गया था कि उसमें मरते हुए नहीं दिखाया जाना चाहिए गब्बर, वो ऐसी बात हुई, तो आज वो हो रहा है, ये लगातार तीसरी चौथी फिल्म है गांधी परिवार जिसमें सीधे घेरे में आ रहा है, जब से मोदी सरकार आई है, आप बादशाह देख लीजिए,
बादशाह जो बनी वो जो जयपुर की महारानी थी गायत्री देवी, और जो उनके खजाने को लेके जो आईटी रेड हुई, जो बात हुई, उनको जेल में डाल दिया गया, उसको लेके ही फिल्म बनी। अजय देवगन की जो फिल्म थी बादशाह, उससे पहले इंदू सरकार आई। इंदू सरकार में संजय गांधी ने जो जितना भी जो जमा मस्जिद के आसपास के इलाके में नसबंदी को लेके जो मामला हुआ था वो सारा उठाया गया, वो मुद्दा पूरा उठाया गया। उसी में वो रुखसाना फरजाना जो भी को भी लेकर के काफ़ी वो उस वक्त जो हुआ था वो आज हो रहा है। अब ये तीसरी फिल्म सीधे गांधी परिवार पे अटैक करेगी और सीधे अटैक करेगी। एक बात और आ रही है बिल्कुल जिसमें कि जिस तरह से मनमोहन सिंह का किरदार निभाया है उन्होंने, मैं सुन रहा था कहीं पे, लग रहा है कि मनमोहन सिंह और ज़्यादा पॉपुलर होंगे, और जो देश की परिस्थितियाँ हैं उसमें इस तरह की भी बातें होने लगी है कि क्या मनमोहन सिंह एक बार और प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। दरअसल एक चीज़ तो आप मान लीजिए कि मनमोहन सिंह कम से कम करप्ट नहीं है, लेकिन खाली यही आप अपने देश के प्रधानमंत्री में चाहते हैं क्या? वो प्रधानमंत्री आप नहीं चाहते कि जो उसके ऊपर जो दबाव था नहीं है ना, उसके ऊपर जो दबाव था उसमें वो निकल के आए, उसमें वो निकल के आए। तो मनमोहन सिंह ने जो दबाव था वो झेला, मजबूरी में सब सारी चीज़ें की, तब भी हमेशा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए लोगों को ये लग सकता है, लेकिन क्या वो परिस्थितियों के शिकार थे? अभी फिल्म पूरी आने दीजिए, कितना किताब से चेंज है या नहीं। हाँ, फिल्म में क्या है, लेकिन कुछ ऐसे उनके डिसीजन हुए, यदि फिल्म से थोड़ा सा हट करके बात करें तो जैसे कोल स्कैम है, कोल स्कैम को लेकर के जो उस समय के तत्कालीन कोल सेक्रेटरी थे एससी गुप्ता, वो अभी भी जेल में है, उनको दो बार दो मामलों में सजा हुई, और बहुत सारे लोग इसको लेकर के जेल में है। लेकिन जो कोल मिनिस्टर के रूप में कामकाज देख रहा था उसका, उस पर कोर्ट से एक बार समन हो गया था तो कांग्रेस ने उसको लेकर के मार्च तक निकाल दिया था। तो ऐसा नहीं है, यदि आप मजबूरी में ही ही डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो वो भी तो एक तरह से बौद्धिक बेईमानी तो है ही ना कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। वही है, पीएम मतलब होल सर्विस सर्वा, आप कोई बहाना नहीं दे सकते। कल को मोदी बहाना देंगे मुझे कांग्रेस ने काम नहीं करने दिया, इसने काम नहीं करने दिया, आप मेजोरिटी में आए हो फिर बहाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात तय लग रहा है कि चूंकि अभी चुनाव है, कि अभी तो ट्रेलर आया है, जैसे ही फिल्म रिलीज होगी अभी 12-13 दिन का मौका है, ये और ज़्यादा सियासी धमाल मचेगा और वो टाइमिंग चुनाव की टाइमिंग, हाँ जो दोनों डेट सुनी उसके बाद चुनाव की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आएगी। और चुनाव क्योंकि सर पे होगा उस वक्त ये सारी चीज़ें आएंगी, तो कांग्रेस चाहेगी कि कम से कम उसके अपने राज्यों में जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ ये फिल्म रिलीज ना हो, इस तरह की भी नौबत आ सकती है, ये भी आ सकती है पक्का। तो शुक्रिया, आपने फिल्म के बारे में जानकारी दी, ट्रेलर के बारे में जानकारी दी। अभी सियासी धमाल और मचेगा, और चूंकि अभी कांग्रेस जो है हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में चुनाव जीत करके आई है, उसका मनोबल भी बढ़ा है, और पंजाब समेत कई राज्यों में उसकी सरकार भी हो गई, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस जिस तरीके से भी इसके प्रभाव को कम कर सकती है, चाहे फिल्म को प्रदर्शन को रोके या हंगामा करे, उसके कार्यकर्ता रोकने की कोशिश करेगी, और बीजेपी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मामला फ्लेयर अप हो ताकि उसको का सियासी फायदा मिले, और राजनीतिक दल में इसमें जो है इस आंच में अपने हाथ सेकने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखते हैं कि पूरा मामला कब कब कैसे टर्न लेता है और चुनाव तक कैसे जीवित रहता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।